नमस्कार रतम में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। बिहार जातिगत गणना के आंकड़े जारी होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी और एक सोच एक प्रयास ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर उठाया है। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई थी कि बिहार सरकार जातिगत गणना के आंकड़े को जारी ना करे। इस पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने भी डाटा सार्वजनिक नहीं करने का आश्वासन दिया था और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश नहीं दिए, पर अपने आश्वासन के उलट बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय इसको सुना जाएगा। चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों के बीच मंगलवार सुबह न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के 30 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी ली गई। यह तलाशी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा ली गई है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिसार शर्मा को यूपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोबेल रॉयस सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 153A और 120B समेत कई अन्य सेक्शन के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। इसी मामले में ये छापेमारी हुई है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार भारत ने कनाडा से कहा कि वो 10 अक्टूबर तक अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाए। बता दें कि भारत के इस कदम को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि भारत कनाडा के राजनयिक कनाडा में मौजूद हमारे राजनयिकों के मुकाबले ज्यादा हैं और इसमें समानता लाने के लिए भारत और भी कनाडाई राजनयिकों वापस कनाडा भेजेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दूसरी मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। यह मच्छरों द्वारा मानव में फैलने वाले कुछ जानलेवा बीमारियों पर अंकुश लगाने में सहायक होगी। WHO प्रमुख ट्रेडोस एडनोम जिनेवा में कहा कि आज मुझे इसकी घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मलेरिया रोकने की सहायक R21 मैट्रिक्स M नामक दूसरी वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की जा रही है। R21 मैट्रिक्स M को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। इसकी एक खुराक की कीमत $2 और $4 के बीच होगी और इसका उपयोग वर्ष 2024 की शुरुआत में कुछ अफ्रीकी देशों में शुरू किया जाएगा। वहीं अन्य देशों में 2024 के मध्य में यह उपलब्ध हो जाएगी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान जताया है। राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 सालों में जो सुधार किए हैं उससे देश की व्यापक आर्थिक स्थिति को फायदा हो रहा है। कुमार ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम अगले कुछ साल 6.5% के इस वृद्धि दर को आसानी से बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 11 महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जारी है जो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में मदद करेगा। चीन के हांगझाऊ में जारी एशियन गेम में भारतीय क्रिकेट टीम ने नेपाल को 23 रनों से हराकर क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है और सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत शानदार रही और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 49 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 15 गेंदों पर नाबाद 37 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और इसके बदौलत भारत ने 20 ओवर में 202 रन बनाए। वहीं जवाब में नेपाल ने जोर तो पूरा लगाया पर वो जीत के लक्ष्य से दूर रह गए। नेपाल ने 20 ओवर में मात्र 179 रन ही बनाए और इसी के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के हांगझोऊ में चल रहे एशियन गेम्स का आज 10वां दिन है और आज भारतीय खिलाड़ी अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने पुरुष की कैनोए डबल्स 1000 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा तीरंदाजी में ओजस देवतले ने फाइनल में जगह बना ली है। उससे पहले दो भारतीय तीरंदाज
ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा भी फाइनल में पहुंच गए हैं और ये तीनों स्वर्ण पदक के लिए जोड़ लगाएंगे। वहीं इन तीनों ने सिल्वर पदक पक्का कर लिया है। अभी तक भारत ने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज शामिल है।